खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने कार्मिकों के नियमितीकरण की मांग सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय में कूच किया। सुबह से ही सभी कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्र हुए और सचिवालय के लिए कूच किया। इस दौरान सुरक्षा कारणों से सचिवालय के पास भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस बीच सचिवालय की ओर कूच कर रहे संविदा कर्मचारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। संविदा कर्मचारी सचिवालय से कुछ दूर सड़क पर धरने पर बैठ गए। सचिवालय से कुछ दूर पहले ही संविदा कर्मचारी सड़क पर धरना पर बैठ गए। संविदा कर्मचारी की मांग है कि आउटसोर्स से कार्यरत कर्मचारी नियत मानदेय पर तैनात है, जिनको कि वार्षिक वेतन वृद्धि और बीमा आदि लाभों से भी वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ पे सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं परेड ग्राउंड पे, जो हम सचिवालय तक के लिए यहाँ क्या करेंगे, एक आक्रोश रैली शांतिपूर्वक करने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, टीबी यूनियन से हैं, सभी लोग हेल्थ वर्कर्स हैं जो यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर। क्योंकि अगर आप देखेंगे सभी अन्य राज्यों में, जो अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बातें करें मणिपुर की, अगर हम बात करें हरियाणा की, सभी जगह नियमितीकरण हो रहा है और हमारे यहाँ जो डबल इंजन की सरकार भी है, तो हमारे यहाँ ऐसी क्या कमी रह गई जो हमें नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हर जगह ये चीजें चल रही है, तो उत्तराखंड में ये जो हमें हमारा लाभ, हमारा हक नहीं मिल पा रहा है, उस हक के लिए हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं।